कोई रीसेल प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, कोई रीसेल का घर या कोई रीसेल का फ्लैट, तो कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेनर, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए ऐसे रिसर्च बेस्ड पॉइंट लेकर आते हैं जो आपको एक बहुत स्मार्ट बायर बनने में मदद करेंगे, और एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेनर, चाहे आप बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एजेंट हो, चैनल पार्टनर हो, आपको मदद करेंगे कि आपके क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को जानने में। तो सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए। अगर रीसेल का घर खरीद रहे हो, रीसेल का फ्लैट खरीद रहे हो, तो गलत डिसीजन ना हो, आपकी मेहनत का पैसा कहीं बर्बाद ना हो, उसके लिए आपको क्या सीखना समझना जरूरी है वो आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर वन, लेआउट मैप या बिल्डिंग अप्रूवल प्लान। अगर आप किसी लेआउट के अंदर कोई घर खरीद रहे, मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है 3 BHK, उस केस में आपको लेआउट मैप देखना है कि वो लेआउट प्रॉपरली सैंक्शन है या नहीं, पूरे अप्रूवल उस लेआउट में मिले हैं या नहीं, ओपन स्पेस, पब्लिक यूटिलिटी, रोड का विड्थ सब कुछ बराबर है या नहीं, वहाँ जिस घर को आप खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं। बिल्डिंग अप्रूवल प्लान आप कब देखते हैं? जब आप किसी अपार्टमेंट में कोई रीसेल का फ्लैट खरीद रहे हो या किसी टाउनशिप के अंदर कोई फ्लैट खरीद रहे हो, उस केस में आपको बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान देखना बहुत ज़रूरी है, जो आगे जाकर आपको सेव कर देता है, आपके डिसीजन को सेव कर देता है, क्योंकि अप्रूव्ड प्लान होगा तभी लोन होगा, उसके बिना आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और लास्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप तभी समझ पाएंगे जब वीडियो को एंड तक देखेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी भी मिस हो। पॉइंट नंबर टू, ओल्ड सेल डीड। हाँ, पुरानी सेल डीड उस ओनर की देखना बहुत ज़रूरी है जिससे आप फ्लैट खरीद रहे हैं। और मैं तो कहूँगा दोस्तों, सिर्फ उसकी सेल डीड मत देखिए, अगर उसने डायरेक्टली बिल्डर से लिए तो बिल्डर के डॉक्यूमेंट भी चेक कीजिए, और अगर ये थर्ड टाइम रीसेल हो रहा है, मतलब जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो उसने भी किसी व्यक्ति से खरीदा था आज से 3 साल पहले और आज आप खरीद रहे हो, तो दोनों या तीनों सेल डीड को चेक करना ज़रूरी है कि प्रॉपर सेल डीड मैच हो रही है या नहीं। अगर आप फ्लैट नंबर 102 खरीद रहे हैं तो 102 प्रॉपर मेंशन है कि नहीं ओल्ड सेल डीड में, और बिल्डर की सेल डीड में भी प्रॉपर 102 मेंशन है या नहीं, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझेंगे तभी आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे, स्मार्ट बायर बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सोसाइटी NOC। जिस सोसाइटी में या ये जो अपार्टमेंट, अगर वहाँ 20 लोगों का ये अपार्टमेंट और वो एक सोसाइटी बन चुकी है, या मान लीजिए एक टाउनशिप है, 200 लोग रहते, एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी की NOC अगर रिक्वायर्ड है आपकी सिटी, आपके शहर, आपके स्टेट में, तो सोसाइटी NOC अवेलेबल है या नहीं है ये भी चेक करना ज़रूरी है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी या रीसेल का घर फ्लैट खरीद रहे हो या कोई घर खरीद रहे हो तो ये सब चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। कभी कभी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी होती है, मान लीजिए जहाँ 200 बंगले थे तो बंगला भी है, अगर आपको रीसेल में खरीद रहे हो तो उस केस में भी आपको सोसाइटी का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आने की। पॉइंट नंबर 4, म्यूटेशन सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी कार्ड बहुत देखना जरूरी है कि जिस ओनर से आप खरीद रहे उसका प्रॉपर्टी कार्ड पे पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, यानी उसका नाम है, यानी आप सही व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं या नहीं, या म्यूटेशन सर्टिफिकेट कहिए या प्रॉपर्टी कार्ड कहिए, अलग अलग सिटी स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं इसे, फेरफार सर्टिफिकेट, अलग अलग तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन म्यूटेशन सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी कार्ड कॉमन नेम है। तो म्यूटेशन सर्टिफिकेट में या प्रॉपरली प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो गया है क्या, पुराने ओनर का नाम हटकर नया नाम आ गया है क्या, या पूरी हिस्ट्री कब कब किसने किसने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी थी वो पूरी हिस्ट्री का आपके पास डिटेल है या नहीं, ये डॉक्यूमेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, अननेसेसरी बिल्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर रहा है और मान लीजिए वो US शिफ्ट हो रहा है, वो भारत से बाहर कहीं शिफ्ट हो रहा है और अर्जेंट में बेच रहा है, अर्जेंट में कभी कभी आपको रेट कम मिलता है, खरीद लेते हैं लेकिन आप सब कुछ चेक नहीं करते, मान लीजिए 6 महीने से उस फ्लैट का बिल नहीं पे किया गया, एवरेज बिल उनका 9000 रुपये आता हो, तो आपको हो सकता है 50,000-75,000 विद पेनल्टी 1,00,000 रुपये का बिल आ जाए, और आपने खरीद लिया और आपने ये चेक ही नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वाटर बिल अगर 1 साल से पे नहीं किया हुआ है तो आपको पता चला 75,000 का बिल आ गया, मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग और बिल्स उनके पेंडिंग थे जो उसी एड्रेस पे आ रहे हैं, तो आप घर खरीदने से पहले ये सब चीज़ों को भी चेक कर लीजिए कि उनका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, करंट बिल सब पेड है या नहीं, ये आपको एक अवेयर स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना, नोट डाउन करना, प्रीवियस टैक्स रिसिप्ट्स। क्या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है, मान लीजिए 2 साल का अगर टैक्स नहीं पे किया और टैक्स एवरेज अगर 40,000 रुपये आ रहा है तो 80,000 रुपये भी टैक्स पेंडिंग हो सकता है, तो टैक्स रिसिप्ट्स करंट पेड आपने चेक की है या नहीं। अगर आप कोई रीसेल का घर या रीसेल का फ्लैट खरीद रहे हो तो उस केस में आपको पेंडिंग टैक्सेशन की रिसिप्ट या कोई टैक्सेशन पेंडिंग तो नहीं है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, माइक्रो पॉइंट्स है, लेकिन लोग भूल जाते हैं और जब भी गलती वो कर लेते तो उनको बहुत सारा नुकसान
का भुगतान करना पड़ता है, ऐसा नुकसान आपका ना हो, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके, इसीलिए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आप एडवांस में ये सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपने आपको एक गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बायर बनाना चाहते हैं, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल सेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग का या चैंपियन ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो हम आपके साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल करेंगे, जिसका अमूमन फीस तो 50,000 प्लस होता है, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अगर टीम आपको सेलेक्ट करती है तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। किसी और टॉपिक पर अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों, ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोज बनाने का पर्पस एक ही है कि ये पूरे 6 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए तो जरूर कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं पता था या इससे पहले आपने चेक नहीं किया। दोस्तों, हमारा एक ही मिशन है कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो, और अगर 1,00,000 रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ट्रेन हो पाए, कोच हो पाए, उनके तो 50 जॉब भी क्रिएट हो सके, तो 50,00,000 नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी मिशन के साथ हमने इस चैनल को शुरू किया था और आपने हमें इतना प्रतिसाद दिया। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।